झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। जहां कुछ नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया, वहीं पाकी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार अनोखे अंदाज में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। जो चर्चा का विषय बन गया, निर्दलीय उम्मीदवार विनय सिंह डांगी रिक्शा चलाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के लिए निकले। विनय सिंह डांगी रिक्शा चला रहे थे, जबकि दो लोग रिक्शे पर बैठे नजर आए। इसके अलावा कुछ लोग रिक्शे के साथ साथ चल रहे थे। अंतिम 24 घंटे बचे हैं नामांकन के लिए, और ऐसे में प्रत्याशी अलग अलग तरीके से नामांकन करने पहुंच रहे। इस वक्त हम यहां कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर एक प्रत्याशी जो है वो नामांकन करने पहुंचे हैं रिक्शा से। इस दौरान विनय ने आरोप लगाया कि पांकी विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार ने विकास की संभावनाओं को खत्म कर दिया और नेताओं ने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीते हैं तो उनका पहला काम भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। और हमारा सोच है कि भ्रष्टाचार जितना बढ़ा है उसको मिटाना है। आखिर रिक्शा से ही क्यों आप पहुंचे नॉमिनेशन कर रहे हैं? रिक्शा से इसीलिए पहुंचे कि हमने रिक्शा चलाए हैं, और रिक्शा से ही, न मेरे पास फोर व्हीलर है और न मेरे पास पैसा है। इस अनोखे नामांकन के बाद इलाके के लोगों ने विनय की सादगी और उनके विचारों की काफी सराहना की। Zee News.